हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किस चीज़ को लेकर, एक्सप्लोसिव अफेयर को लेकर। एक्सप्लोसिव अफेयर ये क्या चीज़ है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा दूं। अर्लियर क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन आए, उन डिसीजन को लेकर PFI ने क्या किया, विरोध किया। PFI का विरोध इस हद तक बढ़ गया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गए। उनके नेताओं के जो बयान हैं, वो सब चीज़ें देश की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गए। उसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने क्या किया, PFI के एक्शंस देखी, उनकी चीज़ों को सर्च किया, मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनका हाथ पाया गया, तो उसको कर दिया बैन। जैसे ही उसको बैन कर दिया, तो साउथ में कई जगह पर जो है बम ब्लास्ट या छोटे छोटे जो ब्लास्ट हैं वो देखने को मिले। उसी रो में एक और ब्लास्ट हुआ, तो उन सब तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर। तो उस चीज़ को यहाँ पर NIA ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF शेयर कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। द कोयम्बटूर ब्लास्ट कॉल फॉर विजिल ऑन द लॉ एंड ऑर्डर द पॉलिटिकल फ्रंट। तो यहाँ पर जो कोयम्बटूर का जो ब्लास्ट हुआ है, वो किस चीज़ की मांग करता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं, एक पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में, एक राज्य के तौर पर क्या है। ये आप जब एडिटोरियल ख़त्म होगा, देन यू विल रियलाइज या यू विल अंडरस्टैंड कि आखिरकार सीन क्या है। विथ इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग टेल टेल साइन ऑफ द टेरर प्लॉट हैविंग गॉन ऑरी पोस्ट संडे प्रडाउन कार ब्लास्ट नियर अ टेम्पल एंड कम्युनली फ्रिजाइल कोयम्बटूर। द इंसिडेंट अनलेस टेकल प्रोफेशनली विथ सेंसिटिविटी होल द पोटेंशियल ऑफ एस्केलेटिंग एग्जिस्टिंग टेंशन ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड अ पोलिटिकल फ्रंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ तो हैविंग गॉन, उसको क्या हो गया, वो थोड़ा सा पॉलिटिकली गलत चला गया। संडे को हुआ था ये पूरा का पूरा ब्लास्ट, और उसके कारण परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिव या कम्युनली फ्रजाइल चीज़ों का मतलब ये है कि जहाँ दो समुदाय बड़े ही थोड़े से ही मुद्दे पर क्या हो जाएँ, ज़्यादा भड़क जाएँ। तो एक ऐसे शहर में कोयम्बटूर में, जहाँ पर एक कम्युनली फ्रजाइल है, वहाँ पर मतलब कोयम्बटूर एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पर इस चीज़ ये होना, ये चीज़ दर्शाता है कि आखिरकार जो एग्जिस्टिंग टेंशन है उसको कैसे डील कर रही है गवर्नमेंट। इन्फॉर्मेशन दैट द कार ड्राइवर एंड द सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड हु वाज चेयर्ड जमीसा मुबीन वाज वीरफुली अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राडार वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चन द कैपेबिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस अपरेटस इन सेंसिंग द फॉरेस्टेलिंग अ टेरर प्लॉट। तो यहाँ पर जिसको पकड़ा गया, जो सस्पेक्ट था, उसको जो NIA है वो अपने एपरेटस के थ्रू क्या कर रही है, सर्च कर रही है और उस पर उसकी जांच कर रही है, उससे पूछताछ जारी है। इट इज़ अ सीट प्रोविडेंस दैट द LPG सिलेंडर इन द कार एक्सप्लोडेड एज अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट बिफोर मुनी मुबीन कुड स्ट्राइक द टेरर। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी उसमें तो यही निकल कर सामने आता है कि ये एक टेरर स्ट्राइक कर सकता था, ना कि की है। वट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड is that the incident came against the backdrop of serial Molotov cocktail attack last month targeting the property of right-wing outfit and their office we are in the wake of the nationwide ban on the Popular Front of India। तो यहाँ पर जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले मंथ इसी प्रकार का ब्लास्ट हुआ था, और किस पर हुआ था, राइट विंग कंपनी के ऊपर हुआ था। वो किस चीज़ को लेकर हुआ था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि राइट विंग वर्तमान में जो राइट विंग की सरकार है, और राइट विंग ने क्या किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया। टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स द लार्जर डिजाइन वॉज अनरिवील्ड एंड द सस्पेक्टेड प्लॉटर अनमार्क्ड इन लेस देन 24 आवर्स। तो यहाँ पर पुलिस को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चीज़ को क्या कर दिया, उजागर कर दिया। दैट हाफ अ डोजन सस्पेक्ट हैव बीन अरेस्टेड वी आर द टेस्टमनी ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन स्किल। तो यहाँ पर जिसको पकड़ा गया, ये जो भी टेस्टमनी हुई जिसकी, उसके आधार पर 12 लोगों को और इन्वेस्टिगेट किया गया। डिस्पाइट द पुलिस
कमेंडेबल पोस्ट ब्लास्ट एक्शन रियलाइजिंग द ग्रेविटी एंड पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऑफ द इशू एट हैंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन डिड द राइट थिंग इन द रिकमेंडिंग दैट द NIA टेक ओवर द प्रोब। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बाद जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो क्या करती हैं पार्टियाँ, पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो जाता है कि उस चीज़ को भुनाने का। इन सब चीज़ों के दरमियान कोई भी राजनीतिक उसकी लड़ाई नहीं हुई, नहीं तो क्या होता है कि राज्य सरकार ये कोशिश करती है खुद की पुलिस को सही ठहराने के लिए कि वो जो नेशनल एजेंसी हैं उनके लिए केस नहीं सौंपती। जो भी जिस राज्य में ये घटना हुई तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन इस केस में जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने तुरंत इसको NIA को दे दिया। लेकिन गवर्नर RN रवि फॉर्मर IPS हैज़ क्वेश्चन द 4-day डिले इन कॉलिंग द NIA, however दैट इज़ मैटर ऑफ द परस्पेक्टिव एंड इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। तो यहाँ पर जो RN रवि फॉर्मर IPS हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आपने 4 दिन का भी डिले क्यों किया, आपको करना था तो तुरंत करते, आपने उसको डिले क्यों किया। पॉलिटिकली दिस हैज़ थ्रोन अप सम चैलेंज फॉर मिस्टर स्टालिन, ही हैज़ टू डेलिकेटली बैलेंस द ड्यूटी ऑफ टेकिंग अलॉन्ग द माइनॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड टू अनकम्प्रोमाइजिंगली डील विद द फंडामेंटलिस्ट वो प्रोपगेट वायलेंस एंड आंसर टू पोलिटिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हो सकता है सम चैलेंजेस हो सकता है मिस्टर स्टालिन के पास होगा, क्योंकि जैसे हमने डिसाइड बताया है अर्लियर कि ये क्या है कम्युनली सेंसिटिव क्षेत्र था कोयम्बटूर का, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को मैनेज करने के लिए हो सकता है उन्होंने टाइम लिया हो। इन दिस ही वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ऑफ द DMK लेट सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस विच शुड एक्नॉलेज द नीड फॉर सच बैलेंस। तो यहाँ पर वही सब की आवश्यकता है इस प्रकार के पॉलिटिकल बैलेंस के लिए। द DMK एज सच फेस क्रिटिसिज्म ऑफ बींग सॉफ्ट ऑन टेरर ड्यू टू द 1998 कोयम्बटूर श्री जलवास, थ्रू द तमिलनाडु हैज सीन द फैंग ऑफ द टेरर ड्यूरिंग द AIDMK रिजिम टू 1993 RSS ऑफिस। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि 1993 में भी इसी की सरकार थी और उस समय कोयम्बटूर में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस समय यह इसी सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि आपने कुछ नहीं किया और ड्यू टू दिस ये चीज़ क्या हुई हुई। ही ऑल्सो हैज द कॉम्बैट अटेम्प्ट ट्राइंग टू स्टॉक कम्युनल पैशन एंड ड्राइविंग रिलीजियस पोलराइजेशन यूजिंग दिस इंसिडेंट एज अ स्प्रिंग बोर्ड। तो यहाँ पर वो ये भी प्रयास करेंगे कि इससे जो कम्युनल पोलराइजिंग है उस चीज़ को रोका जाए। द BJP हैज सीज्ड अपॉन द इशू विद अ सेक्शन ऑफ इट्स लीडर कॉलिंग फॉर कोयम्बटूर 1 ऑन October 31st टू पुट द हीट ऑन द गवर्नमेंट एंड द कंसोलिडेट इटसेल्फ पॉलिटिकली। तो यहाँ पर वही कोयम्बटूर बंद का भी आह्वान किया, किसने आह्वान किया BJP ने आह्वान किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कोई भी छोटी घटना हो हर एक राजनीतिक पार्टी उस चीज़ को भुनाना चाहती है और उसी रोके में BJP ने कोयम्बटूर बंद का आह्वान किया। वॉट इज़ नीडेड थ्रू इट इज इट फॉर द NIA एंड गवर्नमेंट टू डील विद द प्लॉटर फॉर्मली विद नॉट प्रोवाइडिंग द स्कोप ऑफ कम्युनलाइजिंग एंड पोलिटाइजिंग द टेररिज्म पोलिटाइज। तो यहाँ पर एक वास्तविकता में आवश्यकता किस चीज़ की है कि इसको एक प्रॉपरली सर्च किया जाए, प्रॉपरली फॉलो किया जाए, जिससे इसका ना कम्युनलाइजिंग हो ना इसको पोलिटिसाइज हो इस टेरर ये टेरर अटैक या जो भी टेरर है। तो दिस वॉज द एडिटोरियल, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।